पिछले हफ्ते का वादा निभाया, निफ्टी एक और बार ऑल टाइम हाई पे बंद हुई। हमने आपको पिछले हफ्ते कहा था कि बाजार एक और बार ऑल टाइम हाई के साथ बंद होगी और हम आपके सामने दोबारा, जैसे पीछे लिखा हुआ है, निफ्टी हिट्स अगेन ऑल टाइम हाई और हम ऑल टाइम हाई पे ही क्लोज हुए। आने वाले दिनों में क्या होगी हमारी अगली स्ट्रैटेजी, चलिए देखते हैं इसी शो पे। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं रवि नथानी और इस शो में जिसमें हम डिस्कस करते हैं पूरे स्टॉक मार्केट्स की डिटेल विथ स्ट्रैटेजीज। तो शुरू करते हैं आज का ये शो मार्केट डायरेक्शंस एंड स्ट्रैटेजीज विथ रवि नथानी। इस हफ्ते बहुत सारी चीजें आपके सामने होंगी। मैंने हर समय आपके सामने कुछ ऐसे पहलू रखे हैं समझने के लिए। कोई पॉजिटिव न्यूज होता है तो कोई नेगेटिव न्यूज होता है। आज उसी तरीके से मैं आपके सामने कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स लेके आया हूं और कुछ नेगेटिव बातें भी जिसे हम भूल नहीं सकते, वो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स में बेसिकली सारा काम, सारा दामोदार न्यूज ड्रिवन होता है, जिससे सप्लाई और डिमांड मार्केट्स में बेहतरीन होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं इस चीज को कि पॉजिटिव ट्रिगर्स क्या है। सबसे पहला पॉजिटिव ट्रिगर आज की COVID-19 के जो फ्रेश केसेस हैं उसमें थोड़ी सी कटौती हो रही है, तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है जिससे मार्केट्स में मूड माहौल थोड़ा बेटर हुआ है। और इसके ऊपर सोने पे सुहागा अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी स्टेट्स जो हैं, सारे राज्य जो हैं, ईज डाउन कर रहे हैं लॉकडाउन की तरफ, आस्ते आस्ते धीमे धीमे से सारे लॉकडाउन्स पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उससे थोड़े अपलिफ्ट होते हुए देखे हैं। तो लॉकडाउन ईज में आया है, आपके COVID-19 के नंबर्स मैं मानता हूं थोड़े 1 लाख के आसपास हैं, लेकिन फिर भी वो जो 3 और 4 लाख के जो दिन थे उससे तो कहीं बेहतर है। तो लॉकडाउन एक पॉजिटिव, लॉकडाउन ईज का जो है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। COVID-19 के जो नंबर्स हैं वो भी रिड्यूस नंबर्स हैं, वो भी एक पॉजिटिव नंबर है। दूसरी, मॉनसून हैज कम टू केरला। जी हाँ, मॉनसून जो डिपार्टमेंट है, बेसिकली जो हमें मॉनसून के ट्रिगर्स देता है, उन्होंने हमें ये बताया है कि इस बार की जो मॉनसून होगी वो नॉर्मल से 101% होगी, यानी बेटर देन एक्सपेक्टेड होगी। तो मॉनसून इज ऑल्सो अ ग्रेट सिग्नल फॉर दी मूड एंड द ट्रिगर्स ऑफ द मार्केट। अब बारी है, जैसे अभी तीन चीजें मैंने आपको पॉजिटिव बताई, लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न अभी भी आपके सामने है। और सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि लॉकडाउन खुल रहा है, क्या ये शुरुआत है थर्ड वेव की? क्योंकि वैक्सीनेशन तो अभी भी पूरा ड्राइव अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, वैक्सीनेशन के लिए स्ट्रगलिंग अभी भी चालू है, पूरी पॉपुलेशन ने वैक्सीन नहीं लगाया है, तो क्या ये एक कंसर्न आने वाले दिनों में हो सकता है? अगर ये कंसर्न है तो फिर क्या हाल होगा हमारे हमारे जो इनकम कैटेगरी है? बिकॉज आज की तारीख में इस लॉकडाउन के दौरान, पिछले 1.25 साल से जो लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोगों की इनकम्स पे असर आया है, और वो इनकम्स की वजह से जो डिमांड है, देखिए जाहिर है एक आम आदमी जिसकी इनकम अगर एक एक्स अमाउंट होती है वहां से, तो जाहिर है 20-25% 30% तक कटौती हुई है, कि कहीं कहीं किसी किसी सिनारियोज में तो 80% की भी कटौती हुई है। तो अगर वो व्यक्ति ने ज्यादा कमाया नहीं तो वो खर्चा कहां से करेगा? सो डिमांड इज अ कंसर्न आने वाले दिनों में, आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि अब तक सारे रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए। जो फंडामेंटल रिजल्ट्स थे, जो पिछले क्वार्टर तक 31 मार्च तक के जो रिजल्ट्स थे, उस दौरान जनवरी एंड मार्च के दौरान हमारे पास लॉकडाउन एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट कंडीशंस में नहीं था, तो हमने रिजल्ट्स देखे वो बेटर थे। लेकिन जून के बाद Q1 रिजल्ट्स तो आना शुरू हो जाएगी। अब वो Q1 रिजल्ट्स कैसे होंगी, क्या होना चाहिए, मतलब इट विल बी, अगर कहीं हमने मिसेस देखे तो फिर मार्केट्स में क्या असर होगा, वो एक चीज, वो एक नेगेटिव चीज
अब भी दिमाग पे चालू है, वो मार्केट में गोल गोल घूम रही है। और इसी वजह से आपने देखा कि फाइनेंशियल स्टॉक्स ने एक्सपेक्टेड जो तेजी थी वो तकरीबन 36,000 के आसपास की, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, वो वहीं पे आके थोड़ा सा फ्लर्ट करके वहां से वहीं पे आसपास बंद हुई है। लेकिन उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन अब तो मैंने आपको बता दिया कि ये पर्टिकुलर चीज हमारी एक कंसर्न है, जॉब लॉस हो रहे हैं, जॉब लॉस से डिमांड कम हो रही है। दूसरी चीज आपके सामने ये भी है कि जो कमोडिटी प्राइजेस हैं वो बहुत ऊपर हैं और वो एक कंसर्न है। हमारे गवर्नर साहब ने भी इन्फ्लेशन के बारे में बताया और उन्होंने इन्फ्लेशन का एक पूरा रोड मैप बना के दिया, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के तरीके से। आज का करंट सिनारियो इन्फ्लेशन का तकरीबन 5.2% के आसपास का है और उनका जो रोड मैप है, आरबीआई गवर्नर से जो हमने जो रोड मैप बताया, वो उन्होंने ये एक्सपेक्टेशंस किया कि 5.2, 5.3 क्वार्टर 1, 5.1 to 5.2 अगेन क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 अराउंड 4.8, 4.9 और क्वार्टर 4 अगेन 5.2 to 5.3। यानी ओवरऑल एवरेज अगर मैं ये देखूं तो इन्फ्लेशन 5% से 5.1% तो एनुअल है ही। और मैं आपको ये भी बता दूं, आरबीआई ने गवर्नर साहब ने हमें ये भी बताया कि जो जीडीपी नंबर है हमारा जो 10.5 के आसपास का था वो तकरीबन 9.5 के आसपास होगा। तो उन्होंने भी थोड़ा सा एक इंडिकेशन दिया है कि इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स के हिसाब से एक कंसर्न आने वाले दिनों में हो सकता है। तो क्या मैं ये कहूं कि सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपके सामने कुछ पहलू रख रहा हूं, पॉजिटिव पहलू रख दिए। अब नेगेटिव पहलू जो है, जो मार्केट्स में थोड़ा सा चिंताजनक हो सकते हैं, वो आपको मैं सामने डिस्कस कर रहा हूं और वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में क्या ट्रिगर करेगी। तो जैसे मैंने कहा, नेगेटिव साइड में एक जॉब लॉस है, कंज्यूमर प्राइस बढ़ रहा है, और देखा जाए तो इन्फ्लेशन हमारी ऑल टाइम हाई पे नहीं लेकिन 5% के आसपास की है और इनकम हमारी यहाँ पे थोड़ी सी कम है, जिससे डिमांड का एक कंसर्न हो सकता है। वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है, वैक्सीनेशन अब तक जो स्पीड अप होना चाहिए वहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि वैक्सीनेशन एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे अभी भी कुछ प्रेशर्स हैं, कुछ ट्रिगर्स हैं जो जो बैरियर्स हैं कोई पर्टिकुलर, वो क्या है वो तो जाहिर है जो अथॉरिटीज़ हैं वही हमें बता पाएंगी। लेकिन एट प्रेजेंट करंट सिनारियो ये है कि वैक्सीनेशन का भी एक ट्रिगर हमें देखना होगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें आपके सामने ये बता दूँ, गवर्नमेंट से हमें उम्मीदें हैं कि एक स्टिमुलस पैकेज आएगा और स्पेसिफिकली SME सेक्टर्स के अलावा जो पिछले 1-1.5 साल से जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सेक्टर्स हैं जो एब्सोल्यूट बंद हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री हो गई, अम्यूज़मेंट पार्क्स हो गए, या थोड़े बहुत SME इंडस्ट्रीज़ हो गई, जहाँ पे एब्सोल्यूट प्रॉब्लम है, जिनके पास इनकम का कोई स्टांस नहीं है एट प्रेजेंट क्योंकि उनका एब्सोल्यूट लॉकडाउन है, वैसे लोग, टूर एंड ट्रैवलिज्म हो गया, तो उनके लिए RBI गवर्नर साहब ने हमें पिछले हफ्ते ये बताया कि 15,000 करोड़ तक का लोन एक्सटेंशन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन है जो मुझे भी सामने थोड़ी कन्फ्यूजन समझ में आई, और वो ये है कि RBI का कानून ये कहता है कि अगर आपने एक बार डिफॉल्ट कर लिया, पिछले मार्च में हमारे लॉकडाउन शुरू हुए थे और इस मार्च तक लॉकडाउन तो एब्सोल्यूट कंटिन्यूटेड था, तो पिछले 1 साल से जिसने पेमेंट नहीं किया है वो तो एब्सोल्यूट NPA हो गया। अब RBI का कानून ये कहता है कि NPA होने के बाद लोन कैसे दे सकते हैं। टेक्निकली इट इज आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग द स्टेटमेंट, RBI के कानून के हिसाब से अगर कोई अकाउंट NPA है तो उसे लोन नहीं मिल सकता। तो वहाँ पे एक 15,000 करोड़ का जो आप सामने हमारे आया है उसके ऊपर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। आई एम श्योर कुछ ऐसा रास्ता निकाल लेंगे और RBI गवर्नमेंट और और बैंक्स, हम ये तीनों आपस में थोड़ी सी कैलकुलेशन करके हमें बता देंगे और हमें ये कन्फ्यूजन जो है हमारी निकाल देंगे, जिसमें इसी शो में आपको मैं बता भी दूंगा कि कौन से स्टेप्स लिए गए थे।
तो ये सारी चीजें थी हमारे सामने और आने वाले दिनों के ये सारे ट्रिगर्स हैं जो मार्केट्स में थोड़ी सी चिंताजनक हो सकते हैं। थोड़े पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स थोड़े ज्यादा हैं। लेकिन आइए इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं कि पिछले हफ्ते में मार्केट का यू नो परफॉर्मेंस क्या था और आने वाले दिनों में ऐसे कौन सी इवेंट्स होंगी जिससे मार्केट्स हो सकती हैं थोड़ी सी वॉलेटाइल। तो पिछले हफ्ते मार्केट्स में हमने देखा कि एब्सोल्यूट ट्रेंड पे रियलिटी ने 6.5% की तेजी की और मेटल इंडेक्स ने तकरीबन 5.5% की तेजी की। अब मेटल इंडेक्स जो पहले बहुत ज्यादा यू नो एक मैं ये कह सकता हूँ कि करेक्शन फेज में था और करेक्शन मतलब एक छोटा सा यू नो पुल बैक रैली था और वहां से जो मार्केट्स ने वापस रैली की है तो क्या ये डबल टॉप फॉर्मेशन के चक्कर में है? अब उसके ऊपर तो मेटल स्टॉक्स पे देखना होगा क्योंकि मेरे यू नो वर्किंग के हिसाब से मुझे ये लगता है कि हम थोड़े से ओवरस्ट्रेच्ड हैं और आने वाले दिनों में मेटल्स में यू नो थोड़ी सी हम करेक्शन देख सकते हैं। तो मेटल एक इंडेक्स है जो तकरीबन 6% के आसपास की तेजी थी। चाइना के बहुत सारे यू नो कर्व्स आ गए हैं सामने, कुछ पॉलिसी मेकर्स हैं, कुछ पॉलिसी रूल्स हैं जो यू नो बार बार ट्रिगर हो रहे हैं और हाईलाइट हो रहे हैं और इसी हिसाब से मेटल्स में हो सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा रैली आए और वहाँ से वापस से करेक्शन हम देख सकते हैं। तो मेटल्स में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एनर्जी इंडेक्स 4% की तेजी पे थैंक्स टू रिलायंस, एब्सोल्यूट आउट परफॉर्मेंस बाय द कंपनी। ऑटो इंडेक्स में 2.5% की तेजी, पीएसयू बैंक्स में 2% की तेजी, मीडिया फाइनेंशियल्स और फार्मा में 1-1% की तेजी, एफएमसीजी फ्लैट था तकरीबन 0.5% की तेजी, बैंकिंग इंडेक्स भी फ्लैट था 0.5% की तेजी और जो लूजर्स थे वो था सिर्फ आईटी इंडेक्स तकरीबन 0.5% की करेक्शन। तो ये था पिछले हफ्ते का पूरा मार्केट यू नो सिनॉप्सिस आपके सामने। आइए अब बात करते हैं अपकमिंग इवेंट्स की, एक कौन सी इवेंट्स होंगी आने वाले दिनों में जो मार्केट्स को ट्रिगर करेगी ऑन अ हायर साइड या मार्केट्स में एक ट्रिगर ले आएगी फॉर अ डीप करेक्शन। सबसे पहले मंडे को हमारे इंडियन मार्केट्स में बहुत सारी कंपनीज की रिजल्ट्स हैं। यू नो बेक्टर, मिसेस बेक्टर फूड्स जो नया आईपीओ है उसकी रिजल्ट आने वाली है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया न्यू इंडिया इंश्योरेंस और बाकी और भी सारी कंपनीज हैं जो अपने क्वार्टर फोर नंबर्स यू नो मार्च के क्वार्टर रिजल्ट्स पब्लिश करेंगी मंडे को। उसी के साथ साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का फंड रेजिंग मीट है, वो एक पर्टिकुलर डिस्कशन, वो एक स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम हम देख सकते हैं तो उसे भी ध्यान में दीजिएगा। चाइना के नंबर्स हैं जो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट्स यू नो के जो नंबर्स हैं, अप्रैल एक्सपोर्ट्स चाइना के 32% ट्रेड सरप्लस पे थे तो वहां पे क्या होगा डिटेल वो तो मार्केट्स के पहले ही पता चल जाएगा नंबर क्या होगा। और जापान के फाइनल जीडीपी का नंबर भी हमारे सामने आएगा जो वॉलिटिलिटी बेसिकली एशियन मार्केट्स के लिए होगा, लेकिन हमें ये चीज देखनी होगी जिससे हमारे मंडे को मार्केट्स कैसे खुलेंगे उसके ऊपर एक रुझान दे सकता है। ट्यूजडे की बात करें फिर से कंपनीज की रिजल्ट्स हैं, ये बेसिकली आज के तारीख में ना ये आखिरी पड़ाव है रिजल्ट्स का, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स दे चुके हैं लेकिन जो बची कुची कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स जून तक आएंगे। तो अभी जो पहले जो हमारे रिजल्ट्स थे जो बहुत ज़्यादा होते थे अब वो थोड़ा थोड़ा करके धीमे होते जाएंगे और आपको एवरी डे एक पर्टिकुलर कंपनी की रिजल्ट्स तो पक्की आएगी जून तक, फिर जुलाई से नए यू नो नया क्वार्टर उसी हिसाब से नई कंपनीज का शुरुआत होगा। 8 जून को रिजल्ट है पेट्रोनेट एलएनजी, प्रेस्टीज की, मैक्स फाइनेंशियल्स, पीटीसी इंडिया, एनर्जीज इंडिया, गैलेक्सी और हेक्टर बायोसाइंस और सब और दूसरी कंपनीज की जो रिजल्ट्स हैं ये बेसिकली रिजल्ट्स आएंगी 8 जून को। उसके अलावा यूरो एरिया थर्ड जीडीपी एस्टिमेट्स आएगा जो इकोनॉमिक सेंटिमेंट बताएगा, यूएस का एक्सपोर्ट्स और ट्रेड बैलेंस का भी नंबर उस दिन आएगा तो वो भी एक पर्टिकुलर वॉलिटिलिटी के हिसाब से कहा जाएगा। और 9th को कंपनीज होंगी बाटा इंडिया, गेल, टीम लीज सर्विसेज, एमटेक ऑटो और बाकी की जो कंपनीज हैं ये होंगी रिजल्ट्स 9th जून को। चाइना इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे, वहाँ पे भी एक वॉलिटिलिटी हो सकती है एशियन बाजार में जिससे मार्केट्स निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी में थोड़ा उछाल आए या थोड़ा सा यू नो करेक्शन आए। तो 9th जून वेनसडे मॉर्निंग आपको ये डेटा दिमाग में रखना है चाइना इन्फ्लेशन। उसके बाद 9th जून को कनाडा इंटरेस्ट रेट्स, ये रात का आएगा, ये मार्केट्स में थोड़े समय के बाद आएगा जिससे जब भी क्रूड डेटा के आसपास होगा तब इस वक्त हमारे को ये डेटा नंबर सामने आएगा तो वहाँ पे आपको
यू नो थोड़ा ध्यान दो देना होगा जो थर्सडे की ओपनिंग पे डिसाइड करेगा। 10 जून कंपनी के रिजल्ट्स हैं, सेरा सी जी ई और हिंदुस्तान और एनएचपीसी, ये सारी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स आएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 10th जून इंडियन यू नो इंडियन वीकली एक्सपायरी है हमारे इंडाइसिस की, वो एक बहुत ही वॉलेटाइल सेशन होगा, जो यू नो इट्स अ सेकेंड वीक एक्सपायरी, सो वहाँ पे भी एक वॉलेटिलिटी आ सकती है। ECB इंटरेस्ट रेट डिसीशन, US इन्फ्लेशन और जॉबलेस क्लेम्स डेटा की भी नंबर्स आपको थर्सडे को शाम को आएंगे। फ्राइडे रिजल्ट्स है BEML, BHEL, CG पावर, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, सन टीवी, इन सारी कंपनीज के यू नो नतीजे आएंगे और उसके साथ साथ दूसरी कंपनीज के भी नतीजे आएंगे, वो भी एक पर्टिकुलर देख यू नो वॉलेटिलिटी का असर हो सकता है। फ्राइडे को इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अ फेवरेबल बेस इज लाइकली टू गिव ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि ये एक मोमेंटम सेट करेगा आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस के यू नो कंपनीज की तरफ। ऑयल मार्केट रिपोर्ट क्या स्टेटस है उसके ऊपर थोड़ी सी यू नो रोशनी होगी हमारे पास फ्राइडे को, जिसपे वॉलिटिलिटी ऑयल और ऑयल की ट्रेडिंग एनर्जी सेक्टर पे थोड़ा सा असर कर सकता है। UK बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट डेटा, ये इस पर्टिकुलर डेटा पे हमें ध्यान देना होगा, जो एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टिंग टू द बेनिफिट्स रिडक्शन इन लॉकडाउन। देखिए ये मैंने आपको पहले से ही या बाद में चर्चा की है, आने वाले दिनों में लॉकडाउन ईज होगा, बहुत सारे राज्य हैं जो एब्सोल्यूट लॉकडाउन खत्म करेंगे और वहाँ पे डिमांड और सप्लाई का एक नया सिलसिला शुरू होगा, जिससे आने वाले दिनों की इकोनॉमिक नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये एक फंडामेंटल रीजन है, पूरा मार्केट पूरा फाइनेंशियल सिस्टम डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चलता है, अगर डिमांड कम हुई तो जाहिर है हमारे सेल्स कम होंगे, सेल्स कम हुई तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम हुई तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे और वो ट्रिगर करेगा मार्केट्स में करेक्शन, लेकिन अगर डिमांड बेहतरीन हुई, सेल्स अच्छे हुए, नतीजे भी अच्छे आए तो जाहिर है रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और मार्केट्स में एक्सपेक्टेशन होगा कि वो एक हायर साइड आए। देखिए आज के जो करंट सिनारियो है, मैं आपको ये बता दूं, जो निफ्टी है या ब्रॉडर इंडाइसेस हैं, देखिए निफ्टी हमने देखा ऑल टाइम हाई पे और फाइनेंशियल यू नो जो इंडेक्स है जैसे बैंक निफ्टी है वो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 5-6% नीचे है, तो क्या ट्रिगर करेगा मार्केट्स में, कौन सी ऐसी स्टेज आएगी जिससे यू नो थोड़ा सा मार्केट्स में मोमेंटम आएगा। मैंने इसी शो पे आपको ये भी कहा कि निफ्टी का टारगेट लॉन्ग टर्म 22,000 के आसपास हो सकता है, वो तो आने वाले दिनों में 101% चांसेस तो होगा कि निफ्टी 22,000 आएगा, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई टेंशन नहीं है, बाजार में रनिंग करेक्शंस आएंगी, ये बात मैं कर रहा हूं ट्रेडर स्पेसिफिक की, आपको मार्केट्स के पीक या रेसिस्टेंस के आसपास आपको थोड़ा सा हल्का होना चाहिए और जो नीचे जब भी मार्केट रिट्रेस करता है वहां पे खरीदारी करनी चाहिए, ये अगर आपकी ट्रेडर मेंटेलिटी है तो ट्रेडर मेंटेलिटी यही कहता है बाय एट लोअर प्राइस एंड सेल एट हायर प्राइस, और इन्वेस्टर की मेंटेलिटी ये कहती है यू बाय इन गुड क्वालिटी ग्रोथ कंपनीज एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर ईयर्स ऑल टुगेदर बिकॉज दैट विल टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस इन्फ्लेशन सेविंग्स एज वेल एज फॉर योर रिटायरमेंट। तो आइए बात करते हैं निफ्टी की यू नो अपकमिंग हमारे स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, पूरा मार्केट फोकस्ड क्या होना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी की, आपके सामने अब है निफ्टी का चार्ट। अब जैसे हमने पिछले हफ्तों से बहुत 2-3 हफ्तों से हमने शुरुआत की थी जब 14,200 के आसपास था मार्केट और हमने एक एब्सोल्यूट रैली की है राइट अप टिल 15,670 जो हमारी क्लोज है। अब हमारे सामने क्या करना चाहिए, कौन सी डिटेल्स हैं जिसपे कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं जिसपे हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। देखिए मैंने इसी शो पे आपको ये भी कहा था कि निफ्टी ऑल टाइम हाई के बाद 15,980 का फाइनल टारगेट होगा, आज हम तकरीबन 15,670 के आसपास हैं, यानी 200-250 पॉइंट हम दूर हैं अपने फाइनल लक्ष्य के साथ। और मैंने इसी शो पे आपको ये भी कहा था कि जैसे हम 700 के ऊपर चले आपको SWP अप्रोच करना चाहिए, SWP अप्रोच मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। अब ये देखो कंफ्यूज नहीं करिएगा आप अपने आप को,
दो किस्म की स्ट्रैटेजीज होती हैं, दो किस्म के ट्रेडर्स यू नो मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होते हैं जो एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट्स में कोई खराबी नहीं है, मार्केट इज एन अप ट्रेंड, मार्केट्स आने वाले दिनों में और ऊंचाइयों पे जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेडर मेंटेलिटी के यू नो लोग हो, जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग में काम करते हो या शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए आप देखते हो, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कंसर्न है बिकॉज मार्केट इज एट अ हाईएस्ट पॉइंट। यहां से 15,700, 750, 800, 850, 900, ये हर 50-50 पॉइंट पे आपको थोड़ा सा रेसिस्टेंस मार्केट्स में दिखेगा, और वहां से एक डिसेंट करेक्शन राइट अप टिल 15,000 तक की या 14,800 भी मार्केट में आ सकता है। तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि एट प्रेजेंट अब मूड माहौल थोड़ा सा यू नो अनवाइंडिंग का है। अब चलिए मैं आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ट्रेन चली चेन्नई से, जाना है जम्मू तावी। अब चेन्नई टू जम्मू तावी बहुत बड़ा डिस्टेंस है, आपने यू नो ट्रेन में आपने सफर करना है अपने शहर से, दैट इज मुंबई, और मुंबई से आपकी डेस्टिनेशन है दिल्ली। तो जैसे आप मुंबई में बैठते हो और दिल्ली आपका डेस्टिनेशन है, तो जैसे दिल्ली एक दो घंटा यू नो एक दो घंटे का डिस्टेंस रहता है, व्हाट डू यू डू यू नो व्हेन यू ट्रैवल, आप क्या करते हो, आप अपने बैग पैक करते हो, आप अपनी तैयारियां करते हो कि चलो हमारा डेस्टिनेशन आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा वाइंड अप करें, फैलाए ना कोई भी चीज़ को और रेडी रहें, जैसे हमारा डेस्टिनेशन आया हम अपने पोजिशन हम अपने आप को यू नो उठा के अपने सारा सामान उठा के स्टेशन पे उतर जाए। वहां से मार्केट्स हो सकती हैं, वहां से ट्रेन हो सकती है ऊपर जम्मू तावी के तक जाए, लेकिन आप दिल्ली पे उतर जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं इसी एग्जाम्पल को फाइनेंशियल मार्केट्स में लेके जाने की कोशिश करता हूं और आपको ये बताता हूं कि जब हमने 14,200 14,300 से बाइंग शुरू की थी, हमारी डेस्टिनेशन आज की तारीख में है 15,980 की। आज हम 15,670 मतलब 15,700 के आसपास के हैं, हमारी डेस्टिनेशन आसपास ही है, आ रही है, कुछ ही लास्ट के 200-250 पॉइंट्स की फर्क है। तो पर्सनली मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि इस स्टेज पे अपने आप को फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स ना करें, अपने आप को फैलाएं ना, वाइंड अप करते जाएं अपनी पोजीशंस और कैश अपने पास रखें थोड़ा टाइम रखने, जब तक मार्केट्स फिर से एक करेक्शन करे, एक डीप करेक्शन तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन एक रनिंग करेक्शन हो जिससे साइजेबल अराउंड से 700-800 पॉइंट 900 पॉइंट की करेक्शन अगर निफ्टी पे आ जाती है तो वो एक वेलकम मूव होगा, और उस वक्त कोई घबराए ना, मार्केट्स में कुछ नहीं है, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है, मार्केट्स ऑल टाइम हाई फिर से करेंगी, लेकिन अभी एक यू नो अपॉर्चुनिटी है, एक बार थोड़े से हम हल्के हो जाएं। आपके सामने मैं कुछ निफ्टी के नंबर्स रखता हूं जो मूविंग एवरेजेस हैं, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पे जो मूविंग एवरेजेस हैं, अब ये 5-day मूविंग एवरेज जो आपको बताता है 15,618 के आसपास, 15,670 पे खड़े हैं तो हो सकता है एक छोटा सा सपोर्ट आ जाए, तो 15,620, 15,618 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। वो टूटा तो 15,450 का सपोर्ट आएगा, 458 तो 15,480 पकड़ लो, 465 पकड़ लो, जो आपको पकड़ना है आप पकड़ सकते, यू नो लेवल आप देख सकते हैं, लेकिन ये एक तकरीबन सपोर्ट लेवल है। यहां से और बाजार नीचे टूटा तो 15,185 का सपोर्ट है जो 50 डेज मूविंग एवरेज बता रहा है, उसके सॉरी 20 डेज मूविंग एवरेज बता रहा है, और 50 डेज मूविंग एवरेज 15,845 का दिखा रहा है। 100 डेज मूविंग एवरेज 14,800 के आसपास, और 200 डे मूविंग एवरेज 13,345 का। अब ये मूविंग एवरेजेस मैं आपके सामने जानबूझ करके ले आया हूं कि आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि कौन से स्टेज पे किस किस्म के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं। जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो 15,600, 15,620 यू नो 5 डेज मूविंग एवरेज को ध्यान देंगे और वहीं से एक ट्रिगर लेंगे, जो एब्सोल्यूट यू नो मैं ये कह सकता हूँ कि हाई रिस्क टेकर्स होते हैं, जो हाई यू नो हाई रिटर्न्स हाई रिस्क वाले होते हैं, वो एग्रेसिव ट्रेडर्स यू नो राइट वर्ड इज एग्रेसिव ट्रेडर्स, अगर जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो तकरीबन 15,620 के आसपास मार्केट्स में यू नो री एंटर करेंगे और फिर ऊपर की तरफ जर्नी शुरू करेंगे। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो तकरीबन ये देखेंगे कि 15,450 या 15,200 तक हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो हम वहाँ पर अक्यूमुलेट करें। जो एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो 14,800 का लेवल जो है
उस पर ध्यान देंगे, जो तकरीबन 50 दिन का मूविंग एवरेज है वहां पे अक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे। जो ऑप्टिमिस्टिक है मार्केट्स में इन्वेस्टर्स के दौरान, वो ये कोशिश करेंगे कि हम 15,000-14,800 जैसे टूटता है और जिस दिन 13,500 का लेवल आएगा, 550 का लेवल आएगा, अपॉर्चुनिस्ट यू नो जो एब्सोल्यूट मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जो नीचे में खरीदते हैं और यू नो 4 महीना 5 महीना पोजीशंस को हाथ भी नहीं लगाते हैं, उनके लिए ये बाइंग लेवल है तकरीबन यू नो जो 13,545 के आसपास का जो नंबर है, वो 200 डे मूविंग एवरेज, वहां पे बहुत ज्यादा बाइंग आ जाती है। वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपॉर्चुनिटी लेते हैं मार्केट्स के अंदर। तो आपके सामने क्या है रोड मैप, 15,620 छोटा सा सपोर्ट, 15,450, 15,200, 14,800 यहां एक अपॉर्चुनिटी होगी, यहां पे तो एंटर करना ही है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके लिए अभी भी यू नो डिस्टेंस काफी बड़ा है, 13,500 और 13,600 के आसपास ही है जो अपनी शॉपिंग विंडोज आप खोल सकते हैं। तो ये पूरा यू नो स्ट्रैटेजी निफ्टी का होगा। ऊपर ये तो मैंने बैंक सपोर्ट्स आपको बता दिए, ऊपर में जो रेसिस्टेंस आएगा हर 50-50 पॉइंट्स पे, 15,700-750, 15,800-850, फाइनल टारगेट 15,900-950, क्योंकि मैंने 980 और 16,000 का ऑलरेडी आपको बताया दिया है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ओपन इंटर अगर हम एफएनओ की ओपन इंटरेस्ट डेटा देखें तो हमें यही बताता है कॉल्स में 15,700-800 और 16,000 पे काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट यू नो बिल्टअप है, बहुत सारी पोजिशंस लोग वहाँ पर शॉर्ट हैं, और नीचे में 15,000-15,200 और 15,500 पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो ये एक डेटा आपके दिमाग में, आपको ये नंबर्स दिमाग में रखने चाहिए। फाइनली निफ्टी पे नीचे की बात करें तो 15,670 पे बंद हुए हैं, छोटा सपोर्ट 15,620, 15,450, 15,200 और 14,800 के आसपास, ऊपर में 15,700-750, 800-850, 900-950 फाइनल टारगेट इस हफ्ते की या आने वाले दिनों में, यहां से स्विंग डाउनवर्ड आ सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने रखा है, अब आपको यह दिखा दूं बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज 36,149 जो अब तक अचीव नहीं हुई है, टेक्निकली इसे अचीव हो जाना चाहिए था लेकिन हमने देखा यहां पे अभी तक वो टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए, कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको नेगेटिव बातें बताई जब मैं आपको बता रहा था इस बारे में कि इनकम कम हुई है, तो इनकम कम हुई है डिमांड कम हुआ है, उसी तरीके से एक्सपेक्टेशन है, एक फियर है कि एनपीएस बढ़ेंगे, तो एनपीएस अगर बढ़ेंगे तो जाहिर है ये एक अच्छी बात नहीं है फाइनेंशियल्स के लिए, और फाइनेंशियल्स हो सकते हैं थोड़े से यहां से करेक्ट करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी मूड माहौल ऐसा है कि 36,000 या 36,150 के आसपास के टारगेट हमें दिखते हैं। थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे, फिर एक करेक्शन करेंगे, और हो सकता है वहां से दोबारा एक अप मूव करें वहां के, उसके बाद हम 37,000 तोड़े, वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप अगर इन्वेस्टर हो फाइनेंशियल नेम्स में, मैं ये शॉर्ट टर्म बात कर रहा हूं, अपने आप को कंफ्यूज ना करें, लॉन्ग टर्म अगर आप इस इन फाइनेंशियल कंपनीज में इन्वेस्टेड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यू हाई बैंक निफ्टी जरूर करेगा, हमारी जो टारगेट है 39,500 की वो जरूर आएगी, इसी साल आएगी, तो आप घबराए ना, ये सिर्फ एक नियर टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है जो थोड़ा सा करेक्ट करेगा मार्केट। अब करेक्शन के जो लेवल्स हैं वो आपके सामने मैंने आपको बता देने हैं, 35,070 चार्ट्स का पुट सपोर्ट है, यानी टेक्निकली अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट पुट्स में 35,000 के आसपास बहुत ज्यादा होगा, तो जैसे 35,000 लेवल तोड़ता है उसका अगला सपोर्ट 34,500 का आएगा और फाइनल टारगेट 34,000 की होगी, तो यानी 1,000-1,500 पॉइंट्स की यहां पे भी करेक्शन हो सकती है। ऊपर में 36,000 बहुत इंपॉर्टेंट यू नो लेवल है पुट्स पे, ओपन इंटरेस्ट भी वहां बढ़ा हुआ है, हो सकता है आपको ये लेवल दिखे पार कर जाए 36,249 टू बी वेरी प्रिसाइज, तो थोड़ी सी तेजी और आएगी, क्योंकि 36,149 के ऊपर अगर हम बंद हुए तो आपका अगला टारगेट बैंक निफ्टी में सीधा 37,700 का होगा। तो ये एक एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट्स में बैंक निफ्टी की तरफ, फाइनेंशियल नेम्स की तरफ,
तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, कुछ हद तक जो लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो एक्सपेक्टेड है कि इस दौरान पार्टिसिपेट करेंगे और आपको मौका मिलेगा एक बार अपनी प्रॉफिट बुक्स प्रॉफिट बुकिंग करने का। और वहां से अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, फिर से मैं कह रहा हूं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नीचे फिर से आप एंटर कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, बैंक निफ्टी 39,500 जरूर जाएगा, आप लॉन्ग टर्म के लिए उसे होल्ड कर सकते हैं। तो ये पूरा मूड माहौल मैंने आपके सामने रखा है, आपको हर एक बातों से मैंने बता दिया कि मार्केट्स का मूड क्या है, मार्केट्स में चर्चा किस बातों पे हो रही है और कौन सी लेवल्स पे ध्यान देनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का ये शो हम समाप्त करते हैं, होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तब तक तब तक आप अपना भी होमवर्क बना लें, अपनी कुछ लेवल्स बना लें और ध्यान से अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ट्रेड करें। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का ये शो, दोबारा आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।